स्नेहा मोलजेकब हमारा नाम है, कहानियाँ सुनाना हमारा काम है, और आज की कहानी बहुत ही खास है क्योंकि आज की कहानी सत्यम की है। सत्यम, चलो जानते हैं उसके बारे में। अरे ओ सत्यम, जरा संभाल के चुलबुला है मेरा सत्यम, आराम से नहीं बैठ सकता एकदम। कभी तो उछलता है, कभी तो रेंगता है, कभी तो गिरता भी है, बस आराम से नहीं बैठता है। बताओ सत्यम, अब क्या बताए उसका, बाबा की तो बात उसे माननी नहीं है, हर वक्त उछलता रहता है। सत्यम हमेशा गिर कर चोट लगता है ना, तो मेरे पास ही आता है दीदी दीदी कह के। अरे सत्यम, मेरे को तो बस एक ही बात का डर लगा रहता है कि कहीं ये लड़का कोई तोड़ फोड़ ना कर दे। अरे सत्यम, मुझे तो इसी बात का चिंता रहता है कि वो पूरी क्लास को सर पे ना उठा ले कहीं। तो देख लिया क्या कहते हैं सब सत्यम के बारे में, मगर क्या करे सत्यम बेचारा, उसके तो हाथ पैर ही नहीं रुकते हैं। तो सत्यम को ना रविवार बहुत पसंद है, क्योंकि रविवार के दिन सत्यम अपनी माँ के साथ खेत में जाता है, और खेत घर से बहुत दूर है, और रास्ते में ना खेत पड़ता है, झरने पड़ते हैं, जंगल पड़ता है। तो सत्यम माँ के साथ जा रहा होता है, तभी वो खरगोश की तरह फुदकता है, और खन खजूरे की तरह सरकता है, और सांप की तरह रेंगता है। अरे ओ सत्यम, जरा संभल के, माँ कहती है, मगर सत्यम कहाँ से आराम से बैठने वाला है। वो आगे जाके एकदम मकड़े की तरह झूलता है, और लंगूर की तरह कूदता है। अरे जरा मजबूत डाल पकड़। और उसके बाद सत्यम पानी में भी जाता है, और वहां जाके वो बतख की तरह चप्पू चलाता है, और मेंढक की तरह तैरता है। जरा ध्यान से, ज्यादा गहराई में जाइयो। और उसके बाद सत्यम चिकली की तरह चढ़ता है, बकरी की तरह कूदता है, और उसके बाद सत्यम अपनी बाहें फैला के खड़ा हो जाता है। किस लिए? उड़ने के लिए। सत्यम सोचता है कि वो एकदम चील की तरह उड़ जाएगा, आसमान से ऊपर, बादलों से ऊपर। ये सब करते करते थक गया हमारा सत्यम। अब माँ और सत्यम घर लौट आए, और सत्यम इतना सब कुछ करके मिट्टी से एकदम सना हुआ था, और दादा बाबा और दीदी सारे उसको देखकर हंस रहे थे। और दादा ने सत्यम को नहलाया, बाबा ने सत्यम को खिलाया, और दीदी ने सत्यम को कहानियां सुनाई, और सोते वक्त भी सत्यम आराम से नहीं बैठ रहा था, वो तो सपने में भी उछल रहा था, भाग रहा था, उड़ रहा था, और ऐसे वो उड़ते 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 चला गया।